हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो बजाज ने अभी रिसेंटली अपनी न्यू बाइक लॉन्च की है, दैट्स योर पल्सर P150। सबसे ज्यादा नटखट है, सबसे ज्यादा फन टू राइड बाइक है, और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको इसके एक छोटा सा वॉक अराउंड दूंगा, इसके फीचर्स की डिटेल्स बताऊंगा, इसकी राइड के बारे में बताऊंगा, इसकी पावर एंड परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसे रेगुलर बेसिस पे हम रिव्यूज करते रहते हैं और भी बहुत सारी फन वीडियोस करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो नीचे लाइक छोड़ के जाना, और हम लोग कमेंट्स में लड़ाई कर सकते हैं कि आपके इस बाइक के डिजाइन, परफॉर्मेंस, पावर वगैरह के बारे में क्या थॉट्स हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन। और डिजाइन वाइज इस बाइक ने अपने काफी डिजाइन एलिमेंट्स अपनी बड़े सिबलिंग्स यानी कि N160 और N250 से लिए हुए हैं, बट हियर आर सम चेंजेस। फॉर एग्जांपल, जो ये पूरा का पूरा हेडलाइट असेंबली है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिल रहा है, दैट्स अ प्लस प्लस। लेकिन जो DRLs हैं, ये एक कंप्लीट सिंगल यूनिट है, एंड N160 में वो थोड़ा दूर दूर प्लेस्ड होते हैं, यहाँ पे वो पास पास प्लेस्ड है। सारे के सारे फ्लोटिंग पैनल्स N250 और N160 से डिराइव किए हुए हैं, एंड सेम इज द केस विद दिस इंजन, ये भी N160 से ही डिराइव किया हुआ है। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। देर आर सम एक्सपोज्ड पार्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इन पैनल्स की क्वालिटी और ज्यादा बेटर हो जाती है अगर इसको अच्छे से छुपाया जाता तो। मोर ओवर इफ यू नोटिस हेयर, यहाँ पे ये पार्ट आपको ऐसा लगेगा कि ये पैरामीटर फ्रेम शैसी है, बट ऐसा नहीं है। दिस इज अ न्यू फ्रेम जिसमें इंजन को भी एज अ स्ट्रेस मेंबर यूज किया हुआ है, जिसकी वजह से इस बाइक की जो राइड क्वालिटी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। देन यू हैव योर स्विंग आर्म जो थोड़ा सा ऑड लगता है, दैट्स बिकॉज देर इज नो एग्जॉस्ट, क्योंकि अंडर वैली एग्जॉस्ट इस बार प्रोवाइड किया है, जिस वजह से ये जगह थोड़ी सी खाली खाली लगती है। रियर टेल लैम्प्स आर ऑल्सो वेरी नाइस, एंड जो इसका डिजाइन पैटर्न है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मोर ओवर जो ये ग्रैब रेल्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, स्टर्डी हैं, तो यहाँ पे आप प्रॉपर सपोर्ट ले सकते हो। ये भले ही दिखने में सिंग जैसे लगे, बट दे लुक नाइस। इंडिकेटर्स में आपको बल्ब मिलेंगे, और जैसा मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरी वॉक अराउंड वाली वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। ट्विन डिस्क या सिंगल डिस्क का ऑप्शन मिलता है। हाउएवर, जो बाइक मैं राइड कर रहा हूँ उसमें ट्विन डिस्क सेटअप है विद सिंगल चैनल ABS। 790 mm की इसकी सीट हाइट है, 140-142 किलोग्राम का इसका वजन है, N160 से लगभग 10 किलोग्राम हल्की है। इसका जो ये इंजन है 150cc इंजन, लगभग 14.5 PS पावर, 13.5 Nm ऑफ टॉर्क डेवलप करता है। सो अगर आप इसकी पावर टू वेट रेशियो की कैलकुलेशन करोगे तो इट इज समवेयर इन 104 PS पर टन, जो इफ यू आस्क मी एक छोटी सी नेकेड बाइक के लिए बहुत ज्यादा है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जब आप इसको राइड करने निकलते हो ना, वो चीज दिखती भी है। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, फर्स्ट लेट्स डिस्कस द फीचर्स ऑफ दिस बाइक। ऐसी कुछ दिखती है इसकी कीज, काफी सिंपल की है, लेकिन आई रियली लाइक द डिजाइन। दिस इज योर इन्फिनिटी डिस्प्ले, सेमी डिजिटल राइडर डिस्प्ले है, एंड दिस सेटअप आई रियली लाइक। सेंटर में आपको बड़ा सा टैकोमीटर दे रखा है, यहाँ यू हैव योर स्पीड एंड फ्यूल गेज एंड सो मच मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी यानी कि कितना फ्यूल बचा और आप कितना किलोमीटर चल सकते हो, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, वो भी आप अपने ट्रिप के हिसाब से देख सकते हो कि ट्रिप ए में आपको कितनी मिली, ट्रिप बी में आपको कितनी मिली। हालांकि आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब तक आप इग्निशन स्विच को किल पे रखोगे आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, जस्ट अ थिंग दैट आई नोटिस्ड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपको ये भी शो करेगा कि आपकी नेक्स्ट सर्विस में कितने किलोमीटर्स ड्यू हैं, विच इज अ गुड रिमाइंडर फॉर दोज जो अपनी सर्विस को ध्यान में नहीं रख पाते। मोर ओवर यू हैव योर गियर शिफ्ट इंडिकेटर और बहुत सारी डिटेल वाली लाइट्स हैं। तो ये जो स्विच गियर्स हैं, बजाज में तो मुझे कभी भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि यार इनकी क्वालिटी के ऊपर और काम करना चाहिए। हाँ, मे बी वो अपना डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये अब थोड़े से ओल्ड हो गए हैं और वो उन्होंने करने की कोशिश की है, बट चेंज इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि चेंजेस शुड बी ग्रेजुअल। एकदम से चेंज कर देंगे तो लोगों को प्रॉब्लम होगी। जो स्विचेस हैं वो काफ़ी टैक्टाइल हैं, उनका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है, रिस्पॉन्सिव स्विचेस हैं, ग्रिप्स भी काफ़ी अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं, सॉफ्ट हैं, इवन बेयर हैंड्स पे भी चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। USB चार्जिंग पॉट भी दे रखा है, सो दैट लॉन्ग जर्नीज पे जब आप लिख लो तो आप आराम से अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर सकते हो, या फिर जब आप ऑफिस से घर की तरफ निकल रहे हो तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपको मोबाइल फोन चार्ज करके निकलना है या फिर घर से ऑफिस के लिए मोबाइल फोन चार्ज करके निकलना है। हालांकि यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रहा है, जिसका मतलब आपको मोबाइल फोन होल्डर लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट नॉर्मल रेगुलर बार भी अवेलेबल है, तो वो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। आई रियली लाइक दिस पल्सर बैजिंग, जो ये लिखा हुआ है 3D, बहुत अच्छा है, एंड इट ऑल्सो फील्स हाई क्वालिटी। एंड लिसन टू दिस,
मेटेलिक फ्यूल टैंक। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है फॉर दोस्त जो लॉन्गर जर्नीज करना चाहते हैं और अपना जो सामान है मोबाइल फोन वगैरह इजीली यहाँ पे रखना चाहते हैं और मैग्नेटिक टैंक बैग यूज करके कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि अपने डॉग को यहाँ बिठाते हो या फिर किसी भाई बंधु को यहाँ पे बिठाते हो तो वो कुछ भी यहाँ पे टूटेगा फूटेगा नहीं। हाउएवर एक चीज है, बस इस पे स्क्रैचेस बड़ी जल्दी लगेंगे तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। Now these seats are really very comfortable and काफ़ी grippier भी है, मतलब जब आप इसके ऊपर बैठोगे you will feel कि ये आपकी ass को टिका के और पकड़ के रखती है। काफ़ी केसेस में ऐसा होता है ना कि seats are very slippery तो आप ब्रेक मारते हो तो पीछे वाला फिसल के आगे आ जाता है या आप फिसल जाते हो, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। एंड क्योंकि ये स्प्लिट टाइप सीट सेटअप है तो जो राइडर है उसको भी प्रॉपर सपोर्ट मिला हुआ है एंड पैडिंग एंड कुशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। पिलियन के लिए भी जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है अलॉन्ग विद दी सेक्सी ग्रैब हैंडल्स। I really love them. Overall, bike काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है दिखने में। लेकिन एक चीज़ है जो इस साइड वाला फुट रेस्ट है वो कभी कभार थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। अनलाइक दिस फुट रेस्ट, वो स्प्रिंग लोडेड नहीं है तो वो अगर पीछे चले जाता है तो वो वहीं रहता है। आई नो वो इसलिए किया गया है ताकि आप इजिली किक का इस्तेमाल कर सको एंड येस यू हर्ड इट राइट, इसमें किक आती है। नाउ लेट्स सी कि वेदर वी कैन स्टार्ट इट ऑन और नॉट ऑन द सिंगल किक। मैं इसको न्यूट्रल कर लेता हूँ एंड हियर वी गो। लगे हाथ इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। बैकफायर भी करती है कभी कभार। आई रियली लाइक द एग्जॉस्ट नोट गिवन दैट कि एक 150 सीसी का छोटा सा इंजन है लेकिन फिर भी जो एग्जॉस्ट नोट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत बेसी है, थंप है उसमें। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइड क्वालिटी ऑफ दिस बाइक। तो जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पावर फिगर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैटर करता है कि वो टॉर्क कब किक इन करता है, वो पावर कहाँ किक इन करती है। तो जो पीक टॉर्क है वो 6500 आरपीएम पे जाके किक करता है और बजाज ये भी कहता है कि जो 90% टॉर्क है उसको यूजेबल रेव रेंज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, काफी लीनियर टॉर्क कर्व है इसकी। तो आपको आराम से 1500-2500 आरपीएम पे ये बाइक काफी अच्छा पिकअप देगी एंड वैसा होता भी है क्योंकि जब आप ट्रैफिक में होगे और नॉर्मल इनिशियल पिकअप लोगे ना यू विल फील द पंच एंड ये पंच इसके काफी कॉम्पिटिटर्स से बेटर है। Let me tell you this. चाहे आप इसको Apache से compare करो या फिर even N160 से compare करो, उससे भी थोड़ा मेरे को ये better लगा। Even जो इसकी ride quality है, जो इसकी riding dynamics है, वो भी काफी ज़्यादा अच्छे हैं। I mean just look at the rider's triangle, okay? अगर मैं आराम से relax होके बैठ जाऊँ इस bike पे, मेरे हाथ। I am sorry, Babu. अगर मैं आराम से relax होके बैठ जाऊँ इस bike पे तो मेरे हाथ बिल्कुल सीधे हैं, मेरे कंधों पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा और उसके बाद इफ आई रियली वांट टू गेट अ लिटिल बिट स्पोर्टी, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पोर्टियर स्टांस इसमें दिया है तो मैं टक इन कर सकता हूँ और ये पोजीशन भी बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पे क्योंकि क्लिपॉन्स है तो आपको थोड़ा सा स्पोर्टियर स्टांस ज़्यादा मिलता है, उसके अलावा जो रेगुलर वाला होगा उसमें इतना नहीं मिलेगा थैंक्स टू दोज क्लिपॉन्स। और जो इसका लाइटर वेट है और जो इसकी शैजी में इतनी स्टिफनेस है, ये बाइक बहुत ही ज़्यादा निम्बल फील होती है। गड्ढे वगैरह ब्रेकर वगैरह को डॉज करने की कोशिश करोगे वहाँ पे ये बाइक आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस देगी। ब्रेकर को जैसे ही आप निकल के गए आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार वहाँ पे बात खराब हो सकती है। मोरओवर जो इसका ये राइडर्स डिस्प्ले है ना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। दैट्स बिकॉज यहाँ का जो व्यू है ना, देख के ऐसा लगता है कि बाइक पूरी प्रॉपर भरी हुई है एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह। यहाँ से ये बाइक काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, इवन तो यहाँ से देखने में चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी लगती है। दैट्स बिकॉज यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं है, कोई काउल नहीं है। ये वाला पार्ट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। टू बी ऑनेस्ट, एक राइडर के लिए मैटर भी यही करता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहीं पे देखना है। फ्रंट में यू हैव योर टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स एंड रियर में मोनोशॉक है। हाउएवर लेट मी टेल यू कि ये थोड़ा सा स्टिफ आपको फील होगा जब आप इसको स्पीड ब्रेकर से लेके जाओगे, गड्ढों से लेके जाओगे तो ये आपको थोड़ा सा फील होगा। उसका भी एक तोड़ है, अगर आप इस मोनोशॉक का प्रीलोड एडजस्ट कर लो, विच इट इज एन एडजस्टेबल मोनोशॉक, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लॉन्ग टूर्स कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको थोड़ा सा लोड करोगे और उस लोड की वजह से वो प्रॉब्लम आपकी ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर आपके साथ कोई पिलियन राइड करने वाला है यहाँ पे बैठ के तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसी चीज को टेस्ट करने के लिए मैंने रास्ते में चलते हुए एक छोटे से बच्चे को लिफ्ट दी। इससे पहले कि आप लोग कमेंट में मुझे गाली देना शुरू करो, एक छोटे से स्ट्रेच के लिए लिफ्ट दी थी तो इसलिए उसने हेलमेट नहीं पहना है और वो स्कूल से आ रहा था, डेफिनेटली हेलमेट लेके कैसे ही आता। एंड नाउ ये था उसका रिएक्शन। कैसी लगी बाइक तुम्हें? तगड़ी। पल्सर पसंद है? यस। और राइड क्वालिटी कैसी थी पीछे? कंफर्टेबल थे? सही। चलो मिलते हैं। ठीक है ब्रो। ओके। किसका?
Moreover, these brakes are really very good. देखिए, even though आपको इसमें सिर्फ single channel ABS मिल रहा है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पीछे वाले टायर का ट्रैक्शन लूज कर सकूं, ब्रेक करते हुए बाइक को स्लाइड कर सकूं। चाहे आप वेट जगह पे हो, चाहे आप सैंड्स पे हो, चाहे आप कैसे भी सिचुएशन में हो, वो ट्रैक्शन लूज नहीं करता है। एंड फ्रंट से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आई डिडंट फेस कि यार कहीं भी टायर लॉक हो रहा है। इवन दो एक छोटा सा पॉइंट है, बिकॉज दीज आर नॉट रेडियल टायर्स, तो इस वजह से मेरे को माइंड में ये था कि यार इतना कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला मुझे इस बाइक पे। बट इस बाइक ने मुझे गलत प्रूफ किया, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट राइडिंग इट ना, आपको लिटरली वो चीज फील होगी कि कॉन्फिडेंस प्रॉपर है बाइक पे। बजाज हैज ट्राइड टू डू कि 48% एट द फ्रंट एंड 52% एट द बैक रखने की कोशिश की है, विच इज वेरी क्लोज टू द आइडियल 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी आपको जो ऑयल फिल्टर वगैरह जैसी चीजें हैं वो एक्सपोज दी गई है, तो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। एज अ रिजल्ट इस बाइक को मेंटेन करना, अगर आप खुद से भी मेंटेन कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा ईजी है। हालांकि एक चीज जो मुझे थोड़ी सी बमर लगी वो है इसका 5-speed gearbox। नाउ अपने सेगमेंट के हिसाब से इट इज वेरी वेल करेक्ट, लेकिन यू नो एक मसल मेमोरी बन जाती है ना कि जब आप एक 6-speed बाइक चला चुके होते हो तो आपको फील होता है कि यार काश वो एक एक्स्ट्रा गियर होता। और टू बी ऑनेस्ट, अगर वो एक एक्स्ट्रा गियर होता ना, तो इस बाइक की जो ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी है और जो ओवरऑल NVH है, डोंट गेट मी रॉन्ग, इस बाइक जैसा NVH आपको आई एम टेलिंग यू किसी कॉम्पिटिटर में नहीं मिलेगा इस प्राइस सेगमेंट में, लेकिन फिर भी वो NVH और ज़्यादा बेटर हो जाता है। टॉकिंग अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी, पिछली पल्सर आपको इजीली 40-45 किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स देती थी। अगर आप उसको प्यार से चलाते हो तो आप 45 से ज्यादा भी ले लेते थे। दिस इंजन कैन इजीली गिव यू फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स ऑफ 49.5 किलोमीटर पर लीटर। और ये सिर्फ बजाज के क्लेम्स नहीं है, मैंने भी इस बाइक को काफी हद तक राइड किया एंड इवन अभी भी जो स्टेटस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मुझसे पहले जिसने चलाया था और उसको कंबाइन कर ले अगर हम, मैंने जितना 34 किलोमीटर पर लीटर तक के अभी तक ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दे चुका है फॉर दी 166 किलोमीटर। बट इन माइलेज फिगर्स को अपने माइलेज फिगर से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि मीडिया राइड्स में बाइक को थोड़ा हार्शली राइड किया जाता है। डेफिनेटली माइलेज डिपेंड्स ऑन द राइडर, तो जब आप इसको राइड करोगे, अगर आप इसको प्यार से राइड करते हो, 60-70 पे आराम से प्यार से चल रहे हो, ये आपको इजीली 50 प्लस किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स भी दे सकती है, गिवन दैट यू आर राइडिंग इट ऑन द हाईवे। तो इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी अ गुड बाइक फॉर जब आपको अपने घर से ससुराल और ससुराल से घर तक के टूर करने होंगे तब के लिए भी। एंड अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आपको अपनी मिस्ट्रेस के साथ कहीं घूमने जाना है, तो आपके जेब के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं डालेगी। सो व्हाट शुड यू डू, क्या आपको इस बाइक को कंसिडर करना चाहिए, शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए, खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? आई नो आई साउंड लाइक कार वाओ, जस्ट डील विद इट। गिवन दैट कि इस बाइक का जो NVH है वो इस सेगमेंट के किसी बाइक में अभी तक आपको नहीं मिलेगा, और जो इस सेगमेंट की ऑलरेडी बाइक्स हैं वो अब काइंड ऑफ आउटडेटेड होने लगी हैं। चाहे आप अपाचे RTR 162V की बात कर लो या फिर आप बात कर लो FZ, जो पावर परफॉर्मेंस ये दे रहा है वो काइंड ऑफ बेस्ट इन सेगमेंट है। जो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स ये बाइक दे रही है वो भी अच्छा है। डिजाइन पे आप लोगों के अपने थॉट्स हो सकते हैं, विच यू वुड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो अच्छा रहेगा एंड वी कैन डिबेट ऑन इट। एंड NVH, जैसा मैं ऑलरेडी स्ट्रेस करके बोल चुका हूँ कि इस बाइक पे वाइब्रेशंस आपको इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। हाँ, अगर आप इसको 100-108 किलोमीटर पर आवर के आसपास चलाने वाले हो तो डेफिनेटली वो आपको फील होगी। उसके लिए मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे एक 6th गियर और होता तो बेटर होता, बट नहीं है तो 5th गियर पे यू कैन इजीली राइड दिस बाइक अप टू 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कंफर्टेबली। सो गिवन दैट कि एक 150cc इंजन है, इसका क्रूजिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसको टेस्ट राइड करके देखो एंड तब आपको समझ आ जाएगा कि क्या सारे चेंजेस उसमें किए हैं बजाज ने एंड क्यों आपको इस बाइक को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए अपने लिए। नाउ इन केस अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि 800,000 रुपए के बजट में आपकी फैमिली के लिए सबसे अच्छी हैचबैक कौन सी रहेगी, तो यहाँ पे जाओ और जाके वीडियो देख सकते हो। और जस्ट इन केस अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि MT-15 एक लॉन्ग ट्रिप पे कितनी माइलेज दे देगी और उसका कंफर्ट कैसा है, तो यहाँ पे क्लिक करो और वीडियो देखो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। पीस।